ये होना आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। कई बार ये अलग रीजन से भी पीरियड डिले हो सकता है, लेकिन पीरियड डिले होने के जब 7 से 10 दिन के अंदर आप टेस्ट करते हैं, अपना यूरिन टेस्ट करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है आपकी प्रेगनेंसी का, उस समय खुशी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब तक आपके पीरियड मिस ना हो, तो कई लेडीज को ये कोशिश रहती है कि वो किस तरीके से जान सके कि क्या उन्होंने कंसीव कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि क्या आपको जो है सिम्टम्स दिखाई देंगे जब आपने कंसीव कर लिया है, और वो कब से दिखाई देते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेयर ब्यूटीफुल, और मैं हूं नताशा। सबसे पहले बात करती हूँ सिंपल प्रोसीजर की। जब भी आप जो है कंसीव करते हैं, कंसीव करने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर को फॉलो होता है। रिलेशन बनाने के बाद में जो आपका एग बनता है ओवुलेशन टाइम पे, एग और स्पर्म का मेल होता है, वो फर्टिलाइज होता है जो कि ट्यूब के अंदर होता है। फर्टिलाइज होने के बाद में वो कुछ दिनों बाद में, यानी कि 6 से 7 दिन, 6 से लेके 12 दिन तक कुछ महिलाओं में टाइम लगता है, कुछ में अलग अलग भी टाइम लग सकता है, वहां पर ये फर्टिलाइज होने के बाद में जाता है और ओवरी के अंदर चिपक जाता है। ओवरी के अंदर चिपकने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है। कुछ जो सिम्टम्स होते हैं आपको, वो जब आपका ओविलेशन के बाद में जब आपका स्पर्म जाके चिपकता है, यानी कि जब आपका एग जो फर्टिलाइज हो चुका है वो जाकर चिपकता है आपकी ओवरी में, तो उस टाइम कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आज पहले हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम में आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये आपके जो आपका ओवुलेशन हुआ है उसके कुछ को 6 दिन बाद और कुछ को 12 दिन बाद भी दिख सकते हैं, और पीरियड से ये लगभग आप मान सकते हैं कि 10 दिन पहले या फिर आपके 7-8 दिन पहले ये दिख सकते हैं। ये क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट इसके अंदर सिम्टम आएगा कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, जब आपका जो फर्टिलाइज एग है वो जाके आपकी यूट्रस में चिपकता है, वो चिपकने के लिए वो कुछ जगह को हटाता है और उसके अंदर जाके चिपकता है। जब वो उस जगह को हटाता है और आपकी उसके अंदर इंसर्ट होता है, तो उसमें उस वक्त थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये हर एक महिला को नहीं दिखती है, और ये आपके पीरियड टाइम से, यानी कि पीरियड से बहुत अलग होती है। इसका थोड़ा कलर भी चेंज होता है और ये क्वांटिटी में भी बहुत कम होती है। एक हल्की स्पॉटिंग कई बार हो सकती है, कई महिला को ये पता भी चल जाता है, कहीं को नहीं पता चलता, कहीं को ये होती है और कहीं को नहीं होती। तो ये कुछ ऐसा कंफर्म नहीं होता कि ये सभी को हो सकती है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि जब ये इम्प्लांटेशन होती है उस वक्त में क्रम्पिंग होती है, यानी कि दर्द होता है आपके नाभि से नीचे, आपकी यूट्रस वाली जो जगह होती है नाभि से नीचे पेल्विक एरिया में यूट्रस होता है, उस जगह पर दर्द होता है। आप समझ सकते हैं कि जब आपका वो इम्प्लांटेशन होता है तो आपका कहीं और दर्द होने की कोई, जो अगर आप सोच रहे हैं कि इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है मेरी नाभि से नीचे दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी दर्द नहीं है। वो हो सकता है आपको गैस वगैरह का कुछ रीजन हो रहा हो, लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन होता है वो आपके पेल्विक एरिया में जो आपका यूट्रस होता है उसी में वो दर्द होता है, तो वो दर्द आपको फील हो सकता है। ये भी कुछ को फील हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये आपको फील होगा ही। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि आपको कुछ महिलाओं को क्या होती है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये डिस्चार्ज क्यों होता है, जब आपका जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जो आपके वर्जिनल एरिया है, वर्जाइना एरिया है, वो सिकुड़ने लगता है, वो मतलब थिक होने लगता है, इसलिए आपको वो जो है उस वक्त में ड्राइनेस ना होके आपको वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। लेकिन ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि कंफर्म होगा, बट ये मोस्टली महिला को होता है। ये तो हो गया इम्प्लांटेशन और उसके बाद का लक्षण। पीरियड से पहले क्या होता है, कुछ महिलाओं को ये दिखेगा, कुछ को नहीं दिखेगा। कई को ये पीरियड में कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा पीरियड का दर्द है या ये कैसा दर्द है। तो मैंने ये बता दिया कि पीरियड से अगर जैसे आपकी डेट है, डेट से 1-2 दिन पहले हो रहा है, तो वो हो सकता है वो आपका पीरियड का दर्द हो, लेकिन उससे भी पहले से आपके पेल्विक एरिया में सिर्फ दर्द हो रहा है, तो वो आपका, आप समझ सकती है कि आपको किस चीज का दर्द है।
फिर आप आते हैं कि और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जो आपके पीरियड से कुछ टाइम पहले, यानी कि आपको 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले दिखने लगते हैं। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि आप पीरियड में कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। कुछ महिला को ये पीरियड टाइम पे भी होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, बहुत ज्यादा भारीपन, दर्द, इस तरीके की शिकायत होती है। थकावट बहुत ज्यादा रहने लगती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर एक प्रोसीजर चल रहा है, तो उस वक्त में जो वो काफी ज्यादा एनर्जी आपकी लेता है, तो इस वक्त काफी ज्यादा थकावट रहने लगती है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको बीपी लो हो रहा है, तो ऐसी भी शिकायत बहुत सी महिलाओं को होती है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो कि मोस्टली सभी महिलाओं में देखी गई है, लेकिन उनको वो इग्नोर करती है, उन पर वो ध्यान नहीं देती। इसके बाद आते हैं कि बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमारे ओवुलेशन टाइम, हमें इस वक्त मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, अजीब सा मन रहता है, अजीब सा ये होता है, वो होता है, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज को आपको, ये प्रॉब्लम अगर आपके पीरियड वाले डे से 1-2 दिन पहले या फिर पीरियड होने मिस होने के बाद में अगर आपको लग गई है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, आपके टेस्ट में बदलाव आ रहा है, आपको स्मेल वगैरह की हो रही है, तो ये आपके पीरियड से 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाती है और पीरियड के बाद तक रहती है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी चलती है, कुछ को फर्स्ट टर्म यानी कि शुरू के 3 महीने चलती है। तो ये महिलाओं के अलग अलग तरीके से हो सकती है। अब मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि क्या ये सिम्टम सभी को दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी महिला आज के टाइम में भी ऐसी जिनको ये सिम्टम नहीं दिखते। पहले महिलाएं गौर ही नहीं करती थी कि ऐसा उनके साथ में हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में गौर करती है, तब भी उनको कुछ, आप सोचेंगे कि मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, मुझे सच में अजीब खाने का मन कर रहा है, तो वो आपके अपने मन से आप उसको बदलाव लेते हैं। लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन आप अपने मन को बना लेते हैं कि ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। तो इस चीज का नॉलेज लेके आप रिलैक्स रहिएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को करना है, तो रिलैक्स रखिएगा, माइंड को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर महीने ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है और फिर भी आप सोच रहे हैं इस महीने, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाना छोड़ दीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन बहुत बड़ा रीजन होता है आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन वगैरह ना होने का, तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।